इनके अथाक परिश्रम से और उत्तम से उत्तम रणनीति के कारण भारतीय जनता पार्टी लगातार विजयी होती चली जा रही है, नए नए विक्रम प्रस्थापित करती जा रही है। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित भाई शाह मंच पर विराजमान, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज मैं आपके बीच खड़ा हूं। एक तरफ खुशी समाती नहीं है, दूसरी तरफ मन एक भारी बोझ में भी दबा हुआ है। अभी कुछ ही समय पहले वाराणसी मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक फ्लाईओवर का हादसा होने के कारण अनेक लोग जो बस में यात्रा कर रहे थे, व्हीकल लेके जा रहे थे, उसके नीचे दब गए हैं, कईयों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री जी से भी मेरी बात हुई, अधिकारियों से भी बात हुई, मदद की जितने भी साधनों को मोबिलाइज किया जा सकता है तुरंत किया है। बचाने के लिए भरपूर कोशिश हो रही है, लेकिन एक तरफ कर्नाटक के विजय की खुशी और दूसरी तरफ मन पर यह भारी बोझ। और बहुत स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार का हादसा बेचैन बना देता है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उनके प्रति मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा है कि भारत सरकार की तरफ से तत्काल जो भी मदद की आवश्यकता है हम पहुंचा रहे हैं। वहां भी जितनी व्यवस्थाएं हैं आर्मी समेत सबको मोबिलाइज किया है। भाइयों बहनों, कर्नाटक का विजय असामान्य विजय है, अभूतपूर्व विजय है, क्योंकि इस देश में ऐसी छवि बना दी गई कि भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर भारत की पार्टी, हिंदी भाषी पार्टी, न गुजरात हिंदी भाषी है, न महाराष्ट्र हिंदी भाषी है, न गोवा हिंदी भाषी है, न असम हिंदी भाषी है, न नॉर्थ ईस्ट का कोई राज्य हिंदी भाषी है, लेकिन एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया जाता है। एक झूठ फैलाने वाले लोग बार 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 ऐसा झूठ फैलाते हैं कि फिर कोई व्यक्ति सोचने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस प्रकार की विकृत सोच रखने वालों को कर्नाटक की जनता ने बड़ा झटका दिया है। यह हिंदुस्तान के हर कोने में फैली हुई, हिंदुस्तान के हर क्षेत्र की लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित पार्टी है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को लेकर के चलने वाली पार्टी है। इस चुनाव में यह देश कभी नहीं सोच सकता है कि आजादी के इतने सालों तक, आजादी के बाद जो दल केंद्रवर्ती पार्टी रहा, इतने वर्षों तक राज किया, देश को चलाया,
अनेक दिग्गज नेता उसमें पैदा हुए। कोई सोच नहीं सकता था कि ये दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करे। नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना, चुनाव तो आते जाएंगे, जीत हार चलती रहती है, लेकिन देश के मूलभूत अधिष्ठानों पर घात होना ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस चुनाव ने मेरे मन को भी बड़ा प्रभावित किया, क्योंकि मुझे हिंदुस्तान में हर राज्य में जब संगठन का काम करता था तब भी जाने का अवसर मिलता था, मुख्यमंत्री के नाते गुजरात में था तब भी देश का भ्रमण करने का अवसर मिल रहा था, 2014 के लोकसभा के चुनाव में भी जाने का अवसर मिला ज्यादातर, लेकिन हमेशा कुछ राज्यों में मन पे एक बोझ रहता था कि मुझे उस राज्य की भाषा नहीं आती है, भाषा का ज्ञान का मेरा अभाव, मुझे हमेशा रहता है कि मैं अपनी बात कैसे बताऊंगा। लेकिन कर्नाटक की जनता ने मुझे इतना प्यार दिया कि भाषा कहीं बीच में आई ही नहीं। ये एक अद्भुत अनुभव था जी, अद्भुत अनुभव था। और मैं भी चाहता हूं देश में इस प्रकार की विघटन करने वाली प्रवृत्तियां, उनको मोदी पसंद हो या ना हो छोड़ दो, लेकिन देश की जनता के मिजाज को समझो, वो हिंदुस्तान के लिए जी जान से जीने मरने वाले मेरे देश के हर कोने में लोग हैं, हर भाषा भाषी लोग हैं, ये मेरे देश के लिए गर्व की बात है। और कर्नाटका के लोग, गांव के लोग सुनने को तैयार नहीं थे, आप बोले बोलिए, आप जो भाषा बोल सकते हो बोलिए, बस हम बैठे हैं। 40-45-47 डिग्री टेम्परेचर, लोग जाने का नाम नहीं लेते थे। ये एक अलग सा ही, और जनता जनार्दन भगवान का रूप होता है, जब वो आशीर्वाद दे तब एक नई ऊर्जा पैदा होती है।